दिखाओ। ये तुम तो सच्ची मुझे लिख दिया। कहा था ना मैंने कि लिख के दिखाऊंगी, बाल बाल बची हूँ मैं अम्मा से। मुझे दिल कर रहा है कि चूम लूँ उसे। हट, छोरा कहीं का बड़ा आया हीरो। तेरा नहीं लिखा हुआ? वो क्या कहते हैं ना कि तेरा है पर मेरा है। ये देखो तुम्हारी दीदी। हाँ अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। हाँ मैं जा रही हूँ, मम्मी बुला रही है। मेरी इतनी तो छोड़ छोड़। और मेरी इतनी देना। क्या बात है भाई, तुम तो कहीं नहीं जा रही, फिर इतना तैयार क्यों हो रही हो? जरूरी है कि कहीं जाना हो तो ही तैयार हुआ जाए। नहीं मैंने कहीं जाना हो तो ही तैयार होता हूँ। तुमने तो खैर जब भी कहीं जाना होता है तो पूरे हीरो बन के निकलते हो घर से। खैर मैं तो घर में भी हीरो ही बन के फिरता हूँ। अच्छा चाची से कहो कि कोई हीरोइन देखे तुम्हारे लिए। हंसते हुए अच्छी लगती। मुन्नी बाजी भी अम्मा से यही कह रही थी कि आपकी बच्ची बहुत ही प्यारी है। ये अच्छा है तुम लड़कियों का, जरा सी तारीफ कर दो ना शोखी हो जाती है फौरन। और तुम लड़के भी तो फौरन ही चीप हो जाते हो। ये अच्छा है भाई, तारीफ करो तो चीप, ना करो तो रूड। ओ रूड रूड, चलो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, ये उम्र नहीं है तुम्हारी ये सब बातें करने की। बड़ा हो गया हूँ, 20 का हूँ। हाँ तो थोड़े समझदार भी हो जाओ ना। तुम मसला क्या है मुझसे, हर वक्त बुराइयां ढूंढती रहती हो मुझ में। लो ढूंढनी तो तब पड़े ना अगर कम हो तो। हनीफ चाचा नीचे, जल्दी जाऊंगी मैं। ये क्या बात हुई? शाइस्ता बोल। हर छते बुलाम के आया हूँ। हाँ तो मैं भी तो अम्मी से झूठ बोलकर आई ना तुम्हारे लिए। मैं भी तो रोज सब से झूठ बोल के आता हूँ। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि और कितनी देर तक ऐसे झूठ बोलते रहना, ज्यादा देर तक नहीं चलेगा ये सब। जब तक तुम चपली चाय वाले की बहू नहीं बन जाती। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कब बात कर रहे हो तुम अपने अब्बा से? बस ये रिजल्ट आ जाए फिर नौकरी करूंगा और फिर पक्का। यार यासिर जल्दी करो, कुछ ही दिन रह गए मेरे कॉलेज में, फिर बीए हो जाएगा तो घर वालों की तरफ से प्रेशर पड़ेगा यार मुझ पर। अच्छा तुम परेशान ना हो ना, मैं अब आज करूंगा पक्का। पक्का करोगे ना? पक्का प्रॉमिस। दादी मैं ताईजान से तुम्हारे रिश्ते की बात कर रही थी। अच्छा और कोई काम नहीं है उनके पास? क्या हो गया यार, शादी तो करनी है एक दिन। वीजा बहुत अच्छा है। मेरे साथ के जो सारे लड़के हैं ना वो लड़कियों से फोन पे बात करते हैं। गर्लफ्रेंड्स हैं सबकी, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी से बात नहीं की। बहुत अच्छा करते हो, अच्छे बच्चे ना इन झगड़ों में नहीं पड़ते बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें वाकई कुछ दिखाई नहीं देता। क्या कभी कुछ महसूस नहीं हुआ तुम्हें? भाई मैंने तो बहुत खा लिया, अब देर भी हो रही है, चल चल। बचपन से लेके आज तक कभी किसी और के बारे में सोचा भी नहीं मैंने। क्या कहना क्या चाहते हो? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, रियली लव यू। क्या अच्छी फीलिंग नहीं है मुझे। फिजान से बात करूं? यार तुम अपने अब्बा से जाके बात करो, जहाँ बात करनी वहां बात करो ना तुम। देखो मेरी फैमिली का कुछ पता नहीं है, वैसे तो लड़ने मरने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं ये लोग, लेकिन इस बात पर इकट्ठे हो सकते हैं, समझने की कोशिश करो। लगना आदि तो चाहती भी यही है यार, का वास्ता कुछ करो, मामला बहुत खराब हो जाएगा। जवाब चाहिए मुझे। जवाब? मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताई, आई एम सीरियस निजाम, मुझे जवाब चाहिए। तुम मुझसे छोटे हो और मैंने हमेशा तुम्हें अपने छोटे भाइयों की तरह समझा है, आइंदा अगर तुमने मुझसे ऐसी कोई भी बात की तो मैं चाचू को जाकर तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी, और फिर बात अगर अब्बा तक पहुंची तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो क्या है। किसी और से कोई चक्कर? बकवास बंद करो अपनी। वो मैं कह रहा था कि मेरी पढ़ाई भी खत्म होने वाली है। हाँ फिर मैं नौकरी भी ढूंढूंगा। ठीक है तो मुझे मिल जाएगी पक्का?
मिल जाएगी, ठीक है आगे तो, और कुछ मुंह से तो फुट। अबा मैं ये कह रहा था कि मेरी हाँ हाँ बोल बोल, मेरी शादी कर दें। हैं? पसंद है मुझे कोई? क्या क्या? अबा शादी का ही तो बोला है, करनी तो होती है ना, जवान हो गया। अच्छा तू जवान हो गया है और मुझे पता ही नहीं चला। अभी करता हूँ तेरी शादी। शादी 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 करेगा अभी तेरे हाथों से एक घोड़ी। बड़ी गंदियां निकल रही है तुम लोग ही हैं, क्या हुआ यार तुझे? नहीं हंसी आनी? क्यों मुझे क्यों नहीं हंसी आनी, क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ ना इसे क्या छोड़ दे, ये नहीं हंसने वाला। अबे साल बताओगे नहीं तो हंसी कैसे आएगी? साला तो बेटा तू बनने वाला है। बकवास ना कर। बकवास नहीं रियलिटी है बेटे। वो चिपली के बेटे यासर से फंसी है तेरी कजन सिस्टर, मैंने खुद देखा उनको डेढ़ मारते हुए। मैं तानिया की तरफ जा रही हूँ, उसकी बुक्स वापस करनी है। अच्छा जल्दी आना। फकीरा कहता था दीवार के साथ अगर पीपल उगने लगे तो उसकी जड़ें मजबूत होने से पहले उसे उखाड़ दो, नहीं तो एक दिन वो दीवार गिरा देगा। नेको और हमसानियों की इस नफरत की दीवार के दरमियान एक नन्ना सा पीपल उगने की कोशिश में था, मगर उसकी जड़ें अभी कच्ची थीं और उखाड़ने वाले बहुत थे। एक के बाद एक मुश्किल आती जा रही। तो मुश्किलें तो आएंगी ना यासिर, इतना आसान तो कुछ भी नहीं है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं अपने बाबा के पास जाकर कहूँ कि बाबा बाबा यासिर पसंद आ गया मुझे, शादी करने लगी हूँ मैं उससे, और वो कहेंगे वाह निदा वाह जा जी ले अपनी जिंदगी। ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो ना। मुझे पता ऐसा होगा नहीं। देखो यासिर, जो रास्ता हमने चूज किया है ना उसमें मुसीबतें तो आनी है यार, लेकिन हमें डट के उसका मुकाबला करना होगा एक दूसरे के साथ। अभी तो नेकी और हमसानियों का कॉन्फ्लिक्ट भी आना है यार। कसम से यार मुझे ये तुम्हारा बच्चों वाला एटीट्यूड बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि बाबा ने गुस्सा किया और तुमने रोना शुरू कर दिया। मर्द बनो। अच्छा जी मर्द बनो, गुड। अपने आप से डिसअपॉइंट होकर अगर आंखों में आंसू आ गए तो इसका मतलब यह है कि मैं मर्द नहीं हूं। अच्छा यार सॉरी, हम एक दूसरे से लड़ाई क्यों कर रहे हैं? जानती हूं मैं कि तुम बहुत सेंसिटिव हो इसीलिए इतने अच्छे लगते हो बोंगे। खैर सेंसिटिव तो मैं भी बहुत हूं। क्या हुआ है? इजी हाँ कंटिन्यू करो तुम दोनों। इंटरप्शन अच्छी नहीं लगी? इधर देखना जरा, इधर देखना इधर, क्या बात है। चले जी चलो। फिजान ताया जान को जाके तुम बताओ, मैं भी देखता हूँ कि बेटी का यकीन करते हैं या इस चरसी की। देखिए जीवन नगर हफ्ता रात 8 बजे, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।